हम लोगों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है कोरोना के साथ चलते हुए, और हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में जो भी संख्या कोरोना मरीजों की यहाँ पर रेफर होके आ रही है, उनके इलाज के यहाँ पे पर्याप्त प्रावधान हैं, और लगभग 330 के करीब बेड्स जो हैं इस वक्त वो कोरोना मरीजों के लिए जो रिजर्व किए गए हैं। सर, बेड, अगर वेंटिलेटर और बेड की बात है, कितने वेंटिलेटर हैं और बेड कितने पे लगे हैं? हमारे पास इस वक्त 32 वेंटिलेटर जो हैं वो कोविड वार्ड में ही कार्य कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर संख्या जो है वो बाकी हिस्सों से भी, जो अस्पताल के बाकी विभागों में भी वेंटिलेटर उपलब्ध रहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको ही संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ेगा तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर में लोग बीमार होंगे उतनी अधिक संख्या में लोगों को गंभीर स्थिति में जाने की संभावना रहती है, और उतनी लोगों की मृत्यु होने की भी संभावना बनती है। यही एक मुख्य कारण है जिस वजह से, जो इसको हम यूँ कहेंगे कि मृत्यु दर में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, केवल संख्या जो है वो प्रतिदिन 60-65 ये जो है ये लोगों को बड़ी लग रही है। अदरवाइज अगर जो मृत्यु दर है उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो 1-2% के बीच में ही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों विश्व भर में शोध के बाद जो इस कोविड की जो मोर्टेलिटी रेट है उसके कंपेरेबल है। जी,